दोस्तों, हम में से सभी के पास एंड्रॉयड स्मार्टफोन होता ही है, और जब स्मार्टफोन होता है तो हमें अच्छे अच्छे फैसिलिटीज मिलती है। लेकिन एक प्रॉब्लम यहाँ पे हर एंड्रॉयड यूज़र को देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे हमारा स्मार्टफोन कभी कभी हमारी गलती से लॉक हो जाता है, या फिर हमारे पेरेंट्स से, बच्चे से लॉक हो जाता है। हम पासवर्ड चेंज करने के चक्कर में खुद भूल जाते हैं कि हमने करेक्ट पासवर्ड क्या डाला था। अब ऐसे में आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ता है या किसी शॉप पर जाना पड़ता है, जहाँ पर आपको 500,000 रुपये खर्चा तो बताया जाता है, लेकिन ये भी बताया जाता है कि आपका डेटा जो है पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो अगर आप ऐसा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आपके पास रियलमी, ओप्पो, वीवो, शाओमी, सैमसंग का कोई स्मार्टफोन है जो कि लॉक हो गया है, परेशान है, बहुत सारे यूट्यूब की वीडियोज़ को आपने देखा है बट आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार हमारे इस वीडियो को देखिए, आप 100% श्योर हो जाएंगे कि कैसे स्मार्टफोन के लगे हुए लॉक को आप बहुत ही आसानी से अनलॉक कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माइंड इज, और इस वीडियो में आपको हम यही बताएंगे कि कैसे अगर आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, गलती से लॉक हो जाता है, तो आप कैसे अनलॉक करेंगे। चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास एक स्मार्टफोन है जिसमें लॉक लगा हुआ है। अब आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी दिखाना चाहते हैं कि इस स्मार्टफोन में, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्मार्टफोन में नो सिम लिखा हुआ है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं नो सिम है, एमरजेंसी कॉल ओनली का यहाँ पे मैसेज आ रहा है। यहाँ पे साफ मैसेज आ रहा है कि हमारे इस स्मार्टफोन में सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ये विदाउट सिम है, इसमें लॉक लगा हुआ है। डेटा हमें बचाना है, सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारी मेन प्रायोरिटी होती है वो हमारे डेटा को बचाना होता है। तो डेटा कैसा बचेगा ये भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको नीचे इमरजेंसी कॉल का ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ पे टैप कर लेना है। ध्यान रखिए, ये ट्रिक जो है हम विदाउट डेटा के, विदाउट सॉफ्टवेयर, विदाउट इंटरनेट एंड विदाउट लैपटॉप कंप्यूटर के बिना कर रहे हैं। ऑफलाइन तरीके से ये सारा काम होगा, बिल्कुल सेफ है, बशर्ते आपको जो हम ट्रिक बताते हैं आपको सिर्फ वही फॉलो करना है। यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि एक जो हमें स्टेप यूज करना है वो है स्टार हैज़, ये एक तरीके का हम आपको कोड दे रहे हैं, हो सके ये लास्ट अप्रैल का कोड होगा, इसके बाद कोई कोड रिलीज नहीं किया जाता है। कोड का भी यहाँ पे पंगा होता है कि हर मंथ में कम से कम 3 से 4 बार 5 बार भी मैक्सिमम कोड चेंज होते रहते हैं, तो हर मंथ का कोड अलग अलग होता है। अगर आप किसी और मंथ में देख रहे हैं, मान के चले अभी ये वीडियो मैं अप्रैल में बना रहा हूँ, अगर आप मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर या किसी भी महीने में आप वीडियो को देख रहे हैं, आप डेट के साथ कमेंट करेंगे तो हम आपको कंफर्म कर देंगे, बता देंगे कि आपका उस समय का कोड क्या चल रहा है। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, इस कोड को इस तरीके से कॉल कर लेना है और ओके करना है। अभी कितनी बार कॉल करना है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले आपको इसको कॉल करना है वो भी 4 से 5 बार आपको इसको कॉल कर लेना है, ज़्यादा हो जाए बट कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि इस कोड के थ्रू अपने स्मार्टफोन को आप FRP कर लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। अभी यहाँ पे आपको इन सारे नंबर्स को हटा देना, ठीक है। यहाँ पे हमने सारे नंबर्स को हटा दिया है, देन यहाँ पे क्या करना है हमें स्टार हैज़ 812 या फिर 3, स्टार हैज़ 812 या फिर स्टार हैज़ 813, दोनों में से कोई भी आप डायल करेंगे और सिर्फ यहाँ पे हैज़ आप दबाएंगे, सॉरी यहाँ पे सिर्फ आपको हैज़ दबाना है, और जैसे ही आप हैज़ दबाएंगे आपको पता चल जाएगा कि आपका फ़ोन यहाँ पे सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है, और आपसे कोई भी पासवर्ड, पैटर्न, पिन का यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं किया गया है। 100% सेफ ट्रिक है, आप इसको यूज़ कीजिए। बाकी कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।